ईरान के सैन्य ठिकानों पर इसराइल ने किया हमला। तेहरान में सैन्य ठिकानों पर इसराइल की एयर स्ट्राइक, धमाकों से गूंज उठा तेहरान। हमले के बाद इसराइली सेना का बयान, जमीन और जनता की रक्षा के लिए जो जरूरी होगा वो किया जाएगा। ईरान के हमले के दौरान खुद वॉर रूम में मौजूद थे इसराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू। हमले से जुड़ी हर गतिविधि पर नेतन्याहू ने रखी नजर। इसराइल ने अमेरिका को दी ईरान पर हमले की जानकारी, बाइडन को दी गई खबर। ईरान के जवाबी कार्रवाई से पहले अलर्ट है इजरायली सेना। रूस यूक्रेन में भीषण जंग जारी है। रूसी वायुसेना के हेलीकॉप्टर्स ने कुर्स के बॉर्डर इलाके में यूक्रेनी सेना की मूवमेंट पर रोक लगा। ड्रोन अटैक पर रूसी सैनिकों की महारत, रूसी रक्षा मंत्रालय ने ड्रोन ऑपरेटर की वीडियो की जारी। मिलिट्री जोन में दिखा ड्रोन अटैक। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस को लेकर दावा किया, कहा अब जंग में नॉर्थ कोरिया के सैनिकों को उतारने की तैयारी कर रहा है रूस। लंदन में अमेरिकी दूतावास के बाहर फिलिस्तीन के समर्थन में रैली, प्रदर्शनकारियों ने इसराइल के खिलाफ किनारेबाजी। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने कनाडा फर्स्ट नीति का ऐलान किया, इस फैसले से भारत को हो सकता है नुकसान। ताइवान और चीन के बीच बड़ा तनाव, ताइवान ने अपने पेंगु द्वीप पर किया युद्धाभ्यास, चीन के नेवी जहाजों की घुसपैठ का आरोप। बोलीविया में सरकार के खिलाफ सड़कों पर प्रदर्शन किया गया, पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई। पूर्व राष्ट्रपति मोरालेस की गिरफ्तारी को लेकर रोकने की मांग की गई। फिलीपींस में खतरनाक ट्रॉमी तूफान के चलते जगह जगह लैंडस्लाइड हुई। बारिश के बाद पहाड़ से नीचे आया मलबा, रेस्क्यू टीम ने चलाया राहत बचाव कार्य। यूएई में बारिश के साथ कई इलाकों में बवंडर ने मचाई तबाही, बवंडर की चपेट में आने से कई घरों और गाड़ियों को पहुंचा नुकसान। कुदरत की दोहरी मार झेल रहा है स्पेन। ग्रेनाडा में तेज बारिश के साथ जमकर हुई ओलावृष्टि, गाड़ियों पर जम गई बर्फ, कई इलाकों में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात। Z News.